ओके नाउ द प्री मोर प्राइमरी मोटर एरिया मैंने बता दिया और इसके फंक्शन भी बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं भूलना, पूछते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यही है। इसको अगर हम बात करें दूसरी तरफ, दूसरे अल्फाज में, तो एक होती है ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन। ब्रॉडमैन एक साइंटिस्ट था और उसने अपनी मर्जी से कुछ पता नहीं किस बेसिस पे बहरहाल, लेकिन क्लासिफिकेशन की थी पूरे ब्रेन की, इसी कॉर्टेक्स की, और उसे कुछ एरियाज में डिवाइड किया था, उन्हें नंबर दिए थे 1, 2, 3, 4 अप टू 40, 50 कुछ इस तरह से नंबर हैं। सो हम साथ साथ जो अपनी फंक्शनल एरियाज की बात करते हैं वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी, जिस तरह मैंने अपनी सेंट्रल एरिया बताया, उसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि ब्रॉडमैन के हिसाब से एरिया नंबर कौन सा बन रहा है। सो अगर मैं ये पीछे वाला एरिया यानी आपका प्राइमरी मोटर एरिया की बात करूँ तो ब्रॉडमैन के हिसाब से ये एरिया नंबर 4 है, और अगर ये इस वाले अगले प्री मोटर एरिया की बात करूँ तो ये ब्रॉडमैन का एरिया नंबर 6 है। तो ये बातें एमसीक्यूज में आ जाती हैं, तो इसलिए आपने याद रखनी है, पीछे वाला एरिया 4 है और आगे वाला एरिया 6 है, फंक्शन इनका याद रखना जो मैं बता चुकी हूँ। एक बात होती है होमनक्यूलस। होमनक्यूलस क्या होता है जी, जब आपकी, मैंने कहा कि सारी की सारी मोटर मूवमेंट्स बॉडी की जितनी है, कान के पीछे खाना पीना, चाहे पाँव की हो, हाथ की हो, कान की, नाक की, सारी इसने कंट्रोल करनी है। सो हम पूरे बॉडी की एक तस्वीर बनाते हैं ब्रेन पे, बिल्कुल उस हिसाब से जिस हिसाब से वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कि अगर सर का पोर्शन यानी मेरे आई के मसल्स को ये एरिया कंट्रोल कर रहा है तो मैं आंख इधर बनाऊंगी, अगर नाक के मसल ये कंट्रोल कर रहे हैं तो नाक इधर बनाऊंगी, वो जो एक तस्वीर बनती है ब्रेन पे उसको हम कहते हैं होमनक्यूलस। अब होता ये है कि हमारा ब्रेन सीधा है लेकिन ये बिल्कुल बॉडी को उल्टे हिसाब से कंट्रोल करता है, यानी इसका लोअर पोर्शन हमारे सर को कंट्रोल करेगा, इसी तरह सर के बाद ये पोर्शन उंगलियां और बाजू कंट्रोल करेगा, ये पोर्शन ट्रंक को कंट्रोल करेगा, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन ऑफ ब्रेन हमारे पांव और टांगों को कंट्रोल करता है। सो बिल्कुल उल्टी सी तस्वीर बनती है। तो ये आपने बात होमनक्यूलस होती है, इसकी तस्वीर मैं आपको अलग से दिखा दूंगी, वो आपने याद रखनी है। ये आपका हो गया जी प्री सेंट्रल एरिया। इसके बाद नेक्स्ट एरिया है आपका ब्रेन का, उसे आप लोग कहते हैं जी सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। इतना इंपॉर्टेंट एरिया ये नहीं है क्योंकि इसके बारे में इतना ज़्यादा पता भी नहीं है लोगों को, ज़्यादातर ये कहते हैं कि बस इसी से बिल्कुल आगे वाला जो थोड़ा सा पोर्शन होता है यानी सुपीरियर मिडिल इन्फीरियर फ्रंटल जाए रहेगा, मेनली ये सरफेस पे होता ही नहीं है, सुपरलैटरल सरफेस पे, मेनली ये मीडियल सरफेस पे होता है। मीडियल सरफेस पे ये जो एरिया होगा ब्रेन का, इसको हमने मीडियल जायरस कहा था, मीडियल जायरस उसका हमने नाम दिया था उस टाइम। सो मेनली ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जो है ये मीडियल जायरस में होता है, और इसका फंक्शन यही होता है कि इसने बिल्कुल जिस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी ये वाले दोनों मोटर एरियाज थे इनकी तरह कुछ मूवमेंट्स ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं की मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है, इसके इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक है, पहला ये एरिया था प्री सेंट्रल एरिया, दूसरा एरिया हमने कर लिया सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, अब तीसरे एरिया की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब याद रखना है, एक हमने पूरी बॉडी के मसल मूवमेंट्स कर लिए, अब हमारे दो काम रहते हैं, एक हमने देखना भी है, एक हमने बोलना भी है। ये भी दोनों मसल देखना, तो चलो मसल मूवमेंट नहीं होती, होती भी है बल्कि साथ साथ वो सारा सिलियरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, और जो बोलना है वो भी आपके मसल मूवमेंट में आता है। सो ये दो एरियाज अभी देखते हैं। ओके, तो क्योंकि पहले अब मैंने बात की कि एक हमने देखना है और एक हमने बोलना है, ये दोनों कहाँ से कंट्रोल होते हैं, याद रखना आँखें ऊपर होती हैं तो मुँह नीचे होता है हमारे जो बोलने वाली जगह। सो आँखों वाला जो एरिया होगा ब्रेन में वो ऊपर होगा और जो मुँह वाला है वो नीचे होगा, ये डिफरेंट दो एरियाज हैं। ठीक है, जो जिधर से हम देखते हैं, जो हमारी साइट को कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं एरिया को फ्रंटल आई फील्ड। ठीक है, फ्रंटल क्योंकि फ्रंटल लोब में, और आई फील्ड क्योंकि उसे हम देखते हैं। और वो कहाँ पर है जी, ये जो आपका इंटीरियर पोर्शन है इस सारे एरिया के बाद ऑफ द मिडल फ्रंटल जायरस, ये आपका मिडल फ्रंटल जायरस है सारा, इसका ये जो पोर्शन है ये सारा आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है योर फ्रंटल आई फील्ड। ठीक है, इसमें आपकी आई फील्ड होती है, होता ये है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है नीचे, नीचे कहाँ पर जाती है, टू द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपको पता है दो स्वेलिंग्स होती हैं, उन्हें सुपीरियर कॉलिकुलस कहते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जाएगी। सुपीरियर कॉलिकुलस से फिर कनेक्टेड होता है कि हमने तो ज़्यादा इन शॉर्ट हमने वहाँ तक मसल पहुँचा दिया, सिलियरिस मसल तक जो आई में लोकेटेड है। सो ये जो आपका सुपीरियर कॉलिकुलस है ये आपके ऑक्युलर यानी आई मसल से कनेक्टेड होता है थ्रू रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये पाथवे आपने याद रखने कुछ ऐसे है, सबसे पहले क्या है जी आपका फ्रंटल आई फील्ड एरिया। ठीक है, आई फील्ड एरिया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन डाएगी टू सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन, सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन से इन्फॉर्मेशन थ्रू रेटिकुलर फॉर्मेशन चली जाएगी ऑक्युलर मसल्स में, और ऑक्युलर मसल से हमारी साइट पॉसिबल होगी। सो ये पाथवे है, ये आपने नहीं भूलना क्योंकि इसमें सुपीरियर कॉलिकुलस आ रहा है, सो ये फिजियोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, इस वजह से इसको भूलना नहीं है। फ्रंटल आई फील्ड, सुपीरियर कॉलिकुलस, वहाँ से रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू ऑक्युलर मसल्स में, एंड साइट कंट्रोल होती है। तो ये आपका फ्रंटल आई फील्ड है। अगर मैं ब्रॉडमैन के हिसाब से बात करूँ तो जो फ्रंटल आई फील्ड है ये आपका ब्रॉडमैन का एरिया नंबर
विच एरिया इज, यस 6, 8 and 9 एरिया होता है, क्योंकि इससे पीछे बिल्कुल 6 है, इसका भी थोड़ा सा पोर्शन शामिल होता है, तो 6, 8 और 9 एरियाज ऑफ ब्रॉड मैन है जो इसके अंदर आते हैं. सो ये बात होगी पूरी. देन आपका मैंने कहा था बोलने वाला एरिया है, विच इज़ द स्पीच एरिया. आँखों वाले एरिया के नीचे होगा आपका स्पीच एरिया, उसे हम कहते हैं जी मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका. ब्रोका इसलिए क्योंकि ब्रोका एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, जिसने उसने अपने पे नाम रख दिया मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका. इस मिडिल फ्रंटल जायरस के नीचे आपका इन्फीरियर फ्रंटल जायरस है. सो इस इन्फीरियर फ्रंटल जायरस में आपका आ जाएगा मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका. बहुत आसान सी बात है, इसने आपके सारे लफ्ज़ों को बनाना कंट्रोल करना है, ठीक है, जो आपकी वर्ड्स की फॉर्मुलेशन होती है बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट मसल्स, लैरिंग्स, ऑफ पैलेट और फेरिंग्स, ये सारे मसल्स शामिल करके आपके वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं, वो इस एरिया की इम्पल्सिस जाती हैं तो होती हैं. एंड दिस एरिया आपके कौन से हाथ से आप लिखते हैं और ज़्यादा काम करते हैं वो भी यही एरिया डिटर्मिन करता है, जिसका ये जो मोटर स्पीच एरिया राइट साइड ऑफ ब्रेन का ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंडेड पर्सन होगा. जिस बंदे का ये वाला जो एरिया है ब्रेन का लेफ्ट साइड का प्रोमिनेंट होगा, मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका डोमिनेंट होगा, वो हमेशा राइट हैंडेड होता है. मोस्टली लोग राइट हैंडेड इसलिए होते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों में ये मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका लेफ्ट साइड पे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और हमेशा अगर डोमिनेंट साइड पे, जिस साइड पे ये एरिया डोमिनेंट है उसी साइड ऑफ ब्रेन की इस एरिया की लेजन हो जाए तो ना आप बोल सकेंगे और आपकी जो राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस है वो भी ख़राब हो जाती है. लेकिन जिस साइड पे नॉन डोमिनेंट है, सपोज एक पर्सन राइट हैंडेड है और उसका लेफ्ट साइड का ब्रेन का ये एरिया डोमिनेंट है और उसके नॉन डोमिनेंट एरिया यानी राइट साइड ऑफ ब्रेन के एरिया का डैमेज हो गया, तो आपकी स्पीच में, आपके बोलने में कोई फर्क नहीं आएगा. डोमिनेंट एरिया कंट्रोल करता है बेसिकली आपकी स्पीच को, और अगर डोमिनेंट एरिया चला जाए तो आप मुँह हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन लफ्ज़ नहीं बनते. सो ये आपका एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया. एक आखिरी एरिया रह गया ब्रेन का, उसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहाँ पर लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है जी एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ इन फ्रंटल जायरा के सबसे इंटीरियर मोस्ट पोर्शन में, और उसके साथ साथ ये जो आपका सबसे आगे वाला पोर्शन है जो बिल्कुल ऑर्बिटल पोर्शन है, ये यहाँ पर लोकेटेड होता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे कहते हैं प्री सेंट्रल एरिया. उसके बाद हमने कर दिया सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ऑन द मीडियल साइड, फिर फ्रंटल आई फील्ड, फिर हमने किया मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका, और आखिरी इस कॉर्टेक्स को नाम दिया हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ठीक है, अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कनेक्शन हैं बहुत सारे. इसने कनेक्शन किया होता है विद थैलेमस, विद हाइपोथैलेमस, विद हिप्पोकैम्पस, उसके अलावा कॉर्पस ट्राइटम, बहुत सारी जगहों से इसने कनेक्शन किया हुआ है. इतने सारे एरिया से कनेक्शन की वजह से ये हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है, हमारे जो इनबॉर्न इनबिल्ट जो पैदाइशी बिहेवियर्स होते हैं, जो हमारी डेप्थ ऑफ परसेप्शन होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय दिस प्राइमरी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. सो इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा, इसे आपने भूलना नहीं, रिपीट करके सुन लें जिसे ना समझ आए. यहाँ तक किसी को कोई मसला हो यू कैन आस्क. थैंक यू.